68वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को संबोधित किया है। राष्ट्रपति के रूप में देशवासियों के लिए उनका अंतिम संदेश है। उन्होंने अपने भाषण में सरकार की ज्यादातर नीतियों और योजनाओं की प्रशंसा की है। राष्ट्रपति मुखर्जी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक गतिविधियों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने नोटबंदी की नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि काले धन से लड़ने के लिए लागू की गई इस नीति का असर अच्छा होगा, साथ ही डिजिटल पेमेंट से लेन देन में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख पहलों में मनरेगा जैसी स्कीम लोगों को रोजगार दे रही है और डायरेक्ट ट्रांसफर भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बनाने में सहयोगी है। उन्होंने कहा कि हमारा लोकतंत्र कोलाहलपूर्ण है, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकतंत्र बढ़े कम ना हो। हमारी परंपरा में कभी असहिष्णु समाज की नहीं बल्कि तर्कवादी समाज की प्रशंसा की गई है। तो राष्ट्रपति के तौर पर प्रणब मुखर्जी का यह देश के नाम पर आखिरी संबोधन था, जिसमें उन्होंने नोटबंदी और अर्थव्यवस्था पर बात की। देखते रहिए डीबी लाइव।